So today we are going to discuss about spotting errors in English that will be helpful for the test of NED round 2 as well as Karachi University entry test and MD GATE as well. So I have already discussed a lecture regarding spotting error. So here is another lecture. So there are 70 questions and which we are going to solve today to make yourself aware regarding the different errors which actually exist in an English sentence. So the first one is, you would not have failed in the test if you would have worked hard. So there are A, B, C and D. So there are four parts. That's A, that's B, that's C, that's C. So there is an error. There is an error, so you have to spot the error. तो इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पर एरर है? यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ यू वुड हैव वर्क्ड हार्ड. देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड कंडीशनल यूज किया जा रहा है. थर्ड कंडीशनल में इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो पास्ट परफेक्ट का आता है और यहाँ पर इफ के साथ जो क्लॉज आया हुआ है वो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है. तो जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, सो हेयर यू कैन स्पॉट द एरर. ये होना चाहिए था इफ यू हैड वर्क्ड हार्ड. यू वुड हैव नहीं होना चाहिए था यहाँ पे. यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ यू हैड वर्क हार्ड. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस विच इज करेक्टेड नाउ. द सेकेंड इज, नीदर ऑफ द टू बुक्स कुड बी ट्रेस्ड एनी वेयर. यू नो वेयर इज द एरर. सो नीदर ऑफ द टू बुक्स कुड बी ट्रेस्ड एनी वेयर. The error is in A. Why? Because neither of the two books, neither of the books, two की जरूरत नहीं चाहिए. Neither हम लगाते हैं दो चीज़ों के लिए. Neither और either जो हम लगाते हैं तो it is actually for two things. तो जब neither आ गया तो यहाँ पर two books की जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो neither of the books could be traced anywhere. इस तरह से हो जाता. Third, when I will write to my brother, I will convey your message. कंडीशनल नहीं है ये. जब कंडीशनल हो सकता है, जब के मायने में आ रहा है, सही है. कंडीशनल में क्या होता है? फ्यूचर फर्स्ट कंडीशन. इसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशनल है कि फ्यूचर सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज लगता है. तो वैन के साथ जो क्लॉज आता है वो प्रेजेंट सिंपल का आता है, वैन और इफ के साथ. यार वैन आई विल राइट टू माई ब्रदर, यहाँ पर होना चाहिए था वैन आई राइट टू माई ब्रदर आई विल कन्वे योर मैसेज. उसके बाद एक कॉमा भी आता है. ठीक है. Fourth one is, she was not allowed to enter into the examination hall as he had lost her admit card. Very simple. C error spot हो रहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर she होना चाहिए he के बजाय. क्योंकि लड़की की बात की जा रही है तो he had lost her तो हो ही नहीं सकता ना. That's very simple error of pronoun usage. He has been studying in this college from 1975. Yes. D पर error spot हो रहा है. तो फ्रॉम के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सिंस. चूँकि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाते हैं. अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो मसला इन पाँचों सेंटेंस में अपने ग्रामर के देख लें लेक्चर्स, तभी बता रहे हो तुम. लग रहा है समझ में आ रहा है, तुमने देखा है. अच्छा, मतलब तूने इतने व्यूज पढ़ा दिए मेरे. सिक्स है, एवरी वन एक्सेप्ट मी हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स. एवरी वन एक्सेप्ट मी हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स. वाई बी? यस, हैज बीन आएगा बिकॉज एवरी वन आता है ना जब भी, तो एवरी वन के साथ हमेशा हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं. तो अगर ये सिंगुलर है एवरी वन तो सूरत में हैव बीन के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज बीन. तो बी पर आर स्पॉट हो रहा है. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक से ये है. सेवन्थ है, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कि मैं इस ऑफिस में काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ.
तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिहाज से क्या चीज़ मिस्टेक है? नहीं, फॉर तो सही लगा हुआ है, ए में मसला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज़ मार्निंग होता, वो क्या होता है? हैज़ बीन या हैव बीन होता है ना। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये होना चाहिए। एट है, द टेलीफोन बेल रैंग व्हेन आई टुक बाथ। देखिए दोनों पास्ट के क्लॉज आ रहे हैं, लेकिन एक लॉन्गर एक्शन के बीच में एक शॉर्टर एक्शन जब होता है ना, तो लॉन्गर एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कि जब मैं नहा रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी, तो जो लॉन्गर एक्शन था वो आई टुक बाथ का था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। आई टुक बाथ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज टेकिंग बाथ, बिकॉज दिस इज़ द लॉन्गर एक्शन एंड दिस इज़ द शॉर्टर एक्शन। पास्ट में अगर दो काम हुए हो ना, तो जो लॉन्गर एक्शन होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो शॉर्टर एक्शन होता है जो उस लॉन्गर एक्शन के बीच में कहीं पर रोनमा हुआ अकर हुआ, उसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, ये रूल है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मैनी पर्सन्स हु केम टू अटेंड द मीटिंग डिड नॉट नो ईच अदर। सेम है, क्यों? नहीं सही है, डिड नॉट नो पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केम आया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो वहाँ पर भी ठीक है, डिड नॉट नो आया, पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज आता है, दैट सिंपल थिंग। यहाँ पर देखो डी पर एरर स्पॉट हो रहा है, ईच अदर, तो ईच अदर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ईच अदर दो लोगों के लिए लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वन एन अदर। Each other is always used for only two persons. Other, if there are more than two persons, then we should write one another. ठीक है। Next है, I along with my parents were present at the reception. जब B में गलती है, तो ठीक है, yes, I along with my parents. Along with जब आता है ना, तो हम first वाले subject के लिहाज से agreement कराते हैं, तो आई के लास्ट अग्रीमेंट जब हम कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर के बजाय वॉस हो जाएगा, दैट्स वाई बी पर अरे स्पॉट हो रहा है। अलेवंथ है, आई वॉन्ट टू गेट रिड फ्रॉम दिस बैड हैबिट इमीडिएटली। आई वॉन्ट टू गेट रिड फ्रॉम दिस बैड हैबिट इमीडिएटली, कहाँ एरर? बी में, क्यों? यस, गेट रिड ऑफ होता है निजात हासिल करने के लिए, प्रेपोजिशन मिस्टेक है। ट्वेल्थ, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट व्हाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क। कहां पर? सी में एरर स्पॉट हो रहा है, क्योंकि जब हम ये इनडायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, देन व्हेनेवर वी डू इनडायरेक्ट नरेशन, तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, तो ये why had he not नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा why he had not done his homework। तो indirect narration जब लिखा जाता है तो interrogative sentence को affirmative sentence में हम change कर देते हैं, तो वो C में error spot हुआ। Next है, my father told me that if I do not study seriously I would fail। कहाँ पर error spot हो रहा है? B में हो रहा है, because यहाँ पर that की जरूरत, that If I do not नहीं होगा, If I did not होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है जब हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग करते हैं। तो सुनीता ओपेंड आ अलमीरा फुल ऑफ बुक एंड टू गॉट वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। अलमीरा मीन्स अलमारी को ही कहते हैं, दैट इज अलमीरा मीन्स अलमारी, कबर्ड। Where is the error? यहाँ पर A पर है, आर ही आएगा, एन आएगा, एन अलमीरा, बॉल साउंड आ रहा है ना भाई, तो एन अलमीरा, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, माई फादर इज इन अ बैड मूड टूडे। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, नो एरर। Yeah.
यस ए लगेगा, बी में एरर स्पॉट हो रहा है, चूंकि जो बैड है ना, बैड एक एडजेक्टिव है हमारे पास, कौन सी डिग्री का भाई, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम आ लगाते हैं, तो इन अ बैड मूड टुडे इस तरह होना चाहिए, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा आ लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा डा लगता है, जो रूल है। क्लियर है सारे 15 तक? तो जितने भी आते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारे स्पॉटिंग एरर मैं आपको करा दे रहा हूँ, आपको हर तरह के एरर्स पता लग जाए कहाँ पर क्यों एरर स्पॉट हो रहा है, चूँकि 5 नंबर की एनिटी में आई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हेयर, नो एरर। सो व्हाट्स द एरर हेयर इन क्वेश्चन 16? टाउन इतना अच्छा, द टाउन इजंट वेरी वेल नोन, सी मेरा रिस्पॉट हो रहा है, हाफ यू नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ यू होगा। देखो फ्यू और अफ्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाफ यू का मतलब होता है सम, सम मतलब कुछ, और सिर्फ फ्यू जो आता है ना, हाफ यू का पॉजिटिव सेंस होता है, फ्यू का नेगेटिव सेंस होता है। फ्यू मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, दैट इज फ्यू। तो देयर इजंट मच टू सी, सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर, बट ना होने के बराबर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बल्कि बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली जीरो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं सेंटेंस, तो आफ यू नहीं होगा, सिर्फ फ्यू होगा। तो फ्यू और अफ्यू में यह फ़र्क है, फ्यू मतलब थोड़े से या कुछ कुछ अमाउंट है, और फ्यू अगर सिर्फ लिखा जाए तो उसका मतलब ना होने के बराबर, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, दैट इज फ्यू। नेक्स्ट है, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन मेट्रोपोलिटन सिटी हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, नो एरर। एनी यू नो द एरर? यस, बी में एरर आएगा, यस, क्योंकि यहाँ पर हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट, जो कि ट्रेमेंडस जो है ना, ये भी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, दैट्स वाई द के बजाय आना चाहिए, आ ट्रेमेंडस इफेक्ट, सुपरलेटिव से पहले द आता है सिर्फ, मोस्ट ट्रेमेंडस अगर होता तो फिर द आता, हैज हैड सही है वहाँ पर, उसमें मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, यस, बी में इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, इस तरह से होगा। नेक्स्ट, इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी, अच्छा आई को कैपिटल कर लो, अब बताओ, वो तो एक टाइपिंग मिस्टेक थी, कभी एनईडी के अंदर पंक्चुएशन मिस्टेक में स्पोर्टिंग एरर नहीं आता कभी, तो कैपिटलाइजेशन के मसला नहीं होगा कभी भी, अब बताओ, अभी भी बी में ही मसला है, क्यों, चूंकि इवन दो का मतलब होता है अगरचे, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव, तो बट नहीं आता इसके अंदर, जस्ट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी, तो इवन दो के साथ बट नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क, सेम मसला इसके अंदर है, बी में इसमें इवन दो और दो दोनों में बट नहीं आता, दो शी वॉज सिक शी वेंट टू वर्क, बट यहाँ पर नहीं आएगा, सेम दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। नीदर द फेमाइन और द सब्सिक्वेंट फायर वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ द पीपल, बी में क्यों, यस, और नहीं आएगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर आते हैं, ओके, ये एरर स्पॉट हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस,
सी में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। दो एक्शन सारे पास्ट के, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद हुआ वो पास्ट सिंपल में। तो पहले अबू आए तो माय फादर, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड ऑलरेडी कम फ्रॉम ऑफिस। तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज आता है। नेक्स्ट है 23, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएट। किसमें, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएट। 23 बताएं, इसमें डी में हो गया, क्योंकि पैसिव वॉइस है, ये हो जाएगा विल बी अप्रिशिएट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपेयरेंस। Why? Although these houses are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. Yes. Need to repair हो जाएगा, ठीक है, yes. तो next 25, these kind of shoes seem to be expensive, but they are relatively easy to care for. तो यहाँ पर ए में एरर स्पॉट हो रहा है, क्योंकि दीज जब आ गया ना आगे प्लूरल आएगा, तो दीज काइंड्स ऑफ शूज़ दीज के साथ प्लूरल आएगा, द शूज़ तो प्लूरल में ही रहेगा, काइंड में भी ऐसा आएगा, दीज काइंड्स ऑफ शू मतलब ये एग्जाम की जो जूते हैं इसका मतलब है। तो दीज जब आ गया तो काइंड नहीं, हाँ दिस काइंड ऑफ शूज़ हो सकता है, दिस काइंड ऑफ शूज़, लेकिन ये दीज है, दीज के साथ प्लूरल आता है, दिस के साथ प्लूरल आता है। समझ में आ गए सारे मिस्टेक्स सेंटेंस के अंदर। 26 है, ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स। वेयर इज द एरर, देखिए यहां पर फॉर आया ना, सिंस या फॉर आया तो यहां पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ जो आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर किसका लगा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसके बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज, ही हैज बीन सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई हैड कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी डिग्री। सेम एरर है, चूंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले साल इस वक्त तक मैं खत्म कर चुका हूँगा, तो टेंस कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई हैड कंप्लीटेड के बजाय क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, आई विल हैव कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी डिग्री, फ्यूचर आई विल बी कंप्लीटिंग माय यूनिवर्सिटी डिग्री। इस बाय दिस टाइम, इस वक्त तक तो मैं ख़त्म कर चुका हूँगा ना, ख़त्म कर रहा नहीं हूँगा, कर चुका हूँगा। 28, until he does not confess his fault, he will not be included in the team. Anybody knows the error? देखो until यहाँ पर खुद एक negative sense देता है, तो यहाँ पर does not की जरूरत नहीं थी। Until he confesses his fault, he will not be included in the team. Until he confesses his fault का मतलब यही हुआ कि जब तक कि वो अपने जुर्म का एतराफ़, जब तक वो अपने कसूर का एतराफ़ नहीं करता, until unless, ये तो खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव के साथ कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि डबल नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए एक ही नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डस नॉट नहीं होगा। नेक्स्ट, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल इन द डिच। देखो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, वॉक स्लोली लेस्ट, तो लेस्ट जब भी आता तो लेस्ट के साथ पता है हमेशा मे नहीं आता, लेस्ट के साथ हमेशा शूड आता है। ठीक है, तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल इन द डिच।
ये ऐसा ना हो कि तुम गड्ढे में गिर जाओ, ठीक है। दैट इज कराची की बात कर रहे हैं आप, पहले तो कराची में गड्ढे थे ना, अब गड्ढे में कराची है, फ़र्क चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले होता था जब हम छोटे में जब हम जाते थे ना, मतलब काफ़ी पहले गाड़ियों से हम जाते थे, तो हम देखते थे कहाँ पर खड्डा है कहाँ पर खड्डा नहीं है, तो हम उसको जो है खड्डे के ऐसे साइड से बचा के निकाल लेते थे। अब तो असल में हर तरफ खड्डे, तो हम देखते हैं कि सबसे कम गहरा वाला कौन सा है, तो उसमें से गिरा कर निकालते, मतलब सबसे कम गहरा वाला चेक करते हैं। तो हर जगह खड्डे, लेकिन वो ज़्यादा वाले भी नहीं कम गहरे वाले भी, मतलब समझ लो जैसे यहाँ MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी MCQ होता है, चूज़ द करेक्ट खड्डा, तो करेक्ट वाले को ऑप्शन पर जाके फिर हम बाइक निकालते हैं वहाँ से। ऐसे ही होता ना कराची की सड़कों में, तो अलग हाल है। तो 30 है आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैज गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। देखो नरेशन का सेंटेंस है यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच बनी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ना, तो ये हैज के बजाय क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैड, वेदर ही हैड गॉट एडमिशन इन द कॉलेज, इस तरह से होगा। चूंकि नहीं NET में नहीं है, MD CAT में तो आता है, NET में स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये पंक्चुएशन इसमें स्पॉट नहीं होता है, वो बच्चों वाला होता है तो वो नहीं देते। स्पेलिंग की गलतियाँ बड़ी आसान होती हैं और पंक्चुएशन मिस्टेक बड़ी आसान होती हैं, वो MD CAT में तो आता है इंग्लिश में, बट NET में नहीं आएगा, ना दाऊद में आता है वो, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर इस पर अगर वेदर लिख दिया गया या तो कोई भी एरर स्पॉट कर लेगा इसमें, क्योंकि ऐसा तो हर कोई 25 में से 25 ले आया NET में, इतना आसान इतनी इंग्लिश तो सबको ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ पुअर मैन इवन 5 rupees आर अ बिग सम। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मसला इसके अंदर है, यस, चूंकि 5 rupees है ना अमाउंट, मैंने बताया था जब भी अमाउंट होता है उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, यहाँ आर के बजाय इज आएगा, इज अ बिग सम। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपियर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। डी में गलती है, आर रिक्वायर टू अपियर, अपियर के बाद टू नहीं आता, अपियर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, सामने, इसका मतलब उनको सामने हाजिर होना होगा ना भाई, जज के सामने या कमेटी के सामने हाजिर होंगे, सामने मतलब बिफोर। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिव अ हार्ड लाइफ बट ही नेवर आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। ABCD इस बार पहले शुरू में आ गया ऑप्शन, ए मेरर स्पॉट होगा, यस यस। कंटिन्यूड लिव नहीं होगा, कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ, जिरंड आएगा यहाँ पर, एनजी फॉर्म आई। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन। फास्टली होता ही नहीं है, फास्ट होता है, फास्ट खुद एक एडवर्ब है जिसका मतलब तेजी से, दिस इज ऑलरेडी एडवर्ब, तो एलवानी लगाते हैं फास्टली के साथ, तो फास्टली कोई वर्ड नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, देर इज नो वर्ड लाइक फास्टली। ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ही रेड द मैसेज, ये सेकेंड, चूंकि ही रीड्स नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म होते तो रीड्स होता, मान लो कि इसको ये सेकेंड फॉर्म है, या चलो दोनों, मैं तो यहाँ पर दोनों में एरर स्पॉट कर सकता हूँ, मतलब ए में भी एरर स्पॉट हो सकता है अगर आप उस कैन नॉट को सही मानकर यहाँ पर जो है वो एस लगा दें तब भी सही है, वरना इसको अगर आप सेकंड फॉर्म मार के आप वहाँ पर कुड नॉट कर देंगे तब भी सही हो जाएगा, इसी को भी प्रेजेंट या पास्ट में जुमला रख सकते हैं इसके अंदर, तो ए में भी एरर स्पॉट हो ही रहा। क्लियर है सारे 35 तक? ओके 36 देखें, वन आई रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक आई हैड मेड आई वॉज स्ट्रक विथ रिमोर्स। हाँ बच्चों बताएं 36 में, वेन आई रिमाइंडेड ऑफ द मिस्टेक आई हैड मेड आई वॉज स्ट्रक विथ रिमोर्स।
When I reminded नहीं, when I was, A में गलती है, when I was reminded of the mistake, passive voice लगेगा. जब मुझे मेरी गलती याद दिलाई गई, passive voice है ना ये, past indefinite का तो was लगेगा. Next है, you're over dependent on others, even for trivial matters may prove disadvantageous. Trivial मतलब होता common matters may prove disadvantageous. You're over dependent on others. यहाँ पर गलती ए पर स्पॉट हो रही है. ओवर डिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव हमें यहाँ पर नाउन लगाना है, तो ओवर डिपेंडेंस होगा ये. योर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ओवर डिपेंडेंट तो एक एडजेक्टिव हो गया ना, यहाँ नाउन लगनी थी कि तुम खुद तो दूसरों पर जो बहुत ज़्यादा मतलब इनसार करें, ओवर डिपेंडेंस. नेक्स्ट है, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी. When it comes to comparison between the two, quality is most important than quantity. Yes, most नहीं होगा यहाँ पर more होगा. C B पर error spot हो रहा है. This is more. Quality is more important than quantity. तो then जब आ गया ना तो फिर more लगेगा. Comparative degree इस्तेमाल की जाएगी. Next है, the principal as well as the teachers absented themselves from the office. C में error spot होगा, चूँकि as well as का word जब आता है तो क्या होता है, एज वेल एज का वर्ड आ जाए है, तो उसमें हम फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसके लिहाज से एग्रीमेंट कराते हैं. तो द प्रिंसिपल है तो देम सेल्फ नहीं हो जाएगा बल्कि हिम सेल्फ होगा. ठीक है, ये सिंपल रूल है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या ये. नेक्स्ट है, द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना. नो एरर. The hotels of Kolkata are cheaper than Patna. Because Kolkata is the name of a city and Patna is also the name of a city. So, ye ho jayega, the hotels of Kolkata are cheaper than those of Patna. Matlab Patna ke hotels se zyada saste hain jo Kolkata ke hotels hain. Patna agar hum likhenge to like Patna restaurant ho gaya jo 5 star par hai. Hai na? Donizel ke barabar mein jo hai. एल बॉक में तो पटना, हाँ ये इंडिया वाला पटना है, ये पटना रेस्टोरेंट नहीं है, हैदरी वाला, उसको नहीं समझ जाना. तो द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन दोज ऑफ पटना. हाँ, दोज ऑफ से मुराद के अच्छा, अगर यहाँ पर होटल होता ना, द होटल ऑफ कोलकाता इज चीपर देन दैट ऑफ हो जाता फिर. देन दोज ऑफ पटना मतलब पटना के होटल से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर अगर देन पटना लगाए तो पटना से, तो पटना तो एक शहर है, कंपैरिजन शहर से नहीं कर रहे हम, शहर के होटल से कर रहे हैं. तो देन दोज ऑफ लगाया गया. आप 30, आप क्या नाम है, यस यू कैन 30 मिनट्स की क्लास के लिए आओ, बहुत ज़्यादा. चलो तो टाइम तो बचा नहीं था. नेक्स्ट है, नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस. नो एरर. None of the two sisters. देखो B में टू की जरूरत ही नहीं थी. नहीं, जरूरत थी. Have होना चाहिए, यस, याद गलती है. None of the two sisters, क्योंकि plural हो गया ना तो फिर have आएगा. टू तो सही है, दो बहनों में से कोई नहीं, सही है. हाँ टिक तो सही लगा, बस हमें तो पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना चाहिए. क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि आपका इस तरह से नीचे एक डैश लगाओ तो फिर एग्जैक्ट आपको वही ढूंढना पड़ता है गलती. नेक्स्ट है, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट. टैग क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन. You will come to my party tomorrow, or isn't it? Aren't you? Yes. यहाँ पर C पर आ रहा है, isn't it नहीं होगा, aren't you? ये tag question है. तो मेरे party में आ रहे हो क्या तुम, नहीं आ रहे हो, इस तरह से होगा ना. Next है, people should decide to not give or take dowry. No other mistake?
बी में यस, टू नॉट नहीं, नॉट टू गिव और टेक डोरी, इस तरह से होगा. नेक्स्ट है 44. इन द कोर्स ऑफ टाइम द विंग्ड रेप्टाइल्स ग्रोइंग बिगर एंड बेटर एट फ्लाइंग. In the course of time, the winged reptiles growing bigger and better at flying. यहाँ पर बी में एरर है, ग्रोइंग नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट लगा, ग्रू bigger and better and better. ग्रोइंग तो कंटिन्यूस आ गया ना, तो कंटिन्यूस को तो हेल्पिंग आपको है ही नहीं यहाँ पर, इज एम आर पॉसिबल कुछ नहीं है, यहाँ ग्रू होगा. 45 है, लाइक द कमीशन हैज recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly. Like the commission has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly. यहाँ पर A में error spot है, like नहीं होगा यहाँ पर, as होगा. As the commission has recommended to its report, मतलब जैसा कि commission ने recommend किया अपनी report पर, तो rules को और strict बनाना चाहिए. तो like के बजाय as आएगा यहाँ पर, as मतलब यहाँ पर जैसा कि, और लाइक मतलब सिर्फ जैसा होता है. ठीक है, 46 है, स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर. क्योंकि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक काउंट हो रही है. देखो करियर यहां पर कैरियर, वो बाइक का कैरियर लिख दिया यहां पर, बाइक का कैरियर हो गया. ये जो हम लोग जो करियर बनाते हैं, दैट इज सी ए आर डबल ई आर, ये वो हमारा करियर होता है, दिस इज करियर, वो बाइक का करियर है, तो स्पेलिंग गलत लिखी भी है. एम डी कैट में आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, सैनिटी में नहीं आता. ठीक है, एक्सपीरियंस हैज टॉच मी नॉट टू इग्नोर माई एनी मैन हाई और लो, नॉट टू इग्नोर एनीथिंग ग्रेट और स्मॉल, नो एरर. बताएं कहाँ गलती है, सी में गलती है. यस, ग्रेट और स्मॉल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दिस शुड बी बिग और स्मॉल, क्योंकि स्मॉल के जो मतलब अपोजिट है वो बिग है, ग्रेट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है 48 है, इट वॉज अपेरेंट टू एवरी वन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डजेंट रिसीव टाइमली हेल्प. देखो पास्ट के साथ पास्ट का ही क्लॉज आता है, कभी प्रेजेंट नहीं आ सकता. अब देखकर बता दो आंसर कहां पर गलत है, जैसे कि जगह प्रेजेंट दिख रहा होगा आपको, सी में है ना भाई, तो डजंट नहीं हो यहां पर, क्या होगा, डिडंट, ठीक है, पास के साथ पास का क्लॉज आएगा. ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 45 इयर्स और सो, येट वी कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड. देखो यहाँ पर फॉर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जबकि लगा हुआ क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आर के बजाय क्या आना चाहिए था, ऑल्दो वी हैव बीन फ्री फॉर द लास्ट 45 इयर्स ऑफ. सिंपल है, सिंस फॉर आया तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. ये बहुत बार गलती निकलती है, और अभी 4-5 सवाल में ऐसे गलती निकल चुकी है. 50, क्वेश्चन 50 है, ही फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड वुड हैव डाइड इफ द पैसेंजर्स डिड नॉट गेट हिम एडमिटेड इन द नियर बाय हॉस्पिटल इमीजिएटली, नो एरर. देखो वुड हैव आ गया, वुड हैव आ गया तो थर्ड कंडीशनल हो गया ये, और थर्ड कंडीशनल में इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है. यहाँ इफ के साथ क्लॉज किस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिड नॉट के बजाय क्या हो जाएगा, हैड नॉट गॉट हिम एडमिटेड इन द नियर बाय हॉस्पिटल इमीडिएटली, सी ऑप्शन. तो कंडीशनल के मिस्टेक्स भी अक्सर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशनल आपको पता होना चाहिए. सही है, I cautiously asked him, where was he going?
but he did not reply. No error. देखो फिर से भाई इनडायरेक्ट नरेशन आ गया. इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्या गलती है? बी यस. वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, ये हो जाएगा वेयर ही वॉज गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई. ठीक है जी. नेक्स्ट है 52. फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम. वेयर इज एरर? देखो भाई फर्स्टली नहीं होता कुछ भी भाई, फर्स्ट होता है. फर्स्टली क्या चीज़ है? फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग. फर्स्टली कोई चीज़ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. गलत इनफॉर्मल लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसा फास्टली नहीं होता वैसे फर्स्टली नहीं होता. फर्स्ट एंड लास्ट बस इस तरह से कहते हैं. नेक्स्ट है द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज. देखो सीम है, थॉरली क्लीनिंग नहीं होगा, थॉरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज इज लॉस ओवर. नेक्स्ट है माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, पता नहीं शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. नो एरर. मतलब मेरा मुशाहिदा यह है कि विवेक और शशि में विवेक जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. यस बिल्कुल. कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो मोस्ट इंटेलिजेंट की बजाय क्या आएगा? मोर इंटेलिजेंट. सही है. 55. ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज. नो एरर. ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज. बी में एरर स्पॉट हो रहा है क्योंकि मोर की जरूरत ही नहीं थी. ईजियर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो मोर ईजियर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ईजियर होगा. मोर ईजियर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ईजियर खुद कंपैरेटिव डिग्री है. ईजी ईजियर ईजीएस्ट. नेक्स्ट वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो निट्स द स्ट्रॉज इनटू वन अनदर. नो एरर. मोहतात से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए कि जो चिड़िया है किस तरह से घास फूस से जो है वो उनको बिन कर क्यों स्पैरो नहीं. एक बार स्पैरो की बात की जा सकती है. ए में होगा ना हवा छाओ केयरफुली. एडवर्ब लगना चाहिए यहाँ पर कितने मोहतात के साथ. एडवर्ब क्या बताता है? हाउ द एक्शन वॉज डन, काम कैसे हुआ. तो वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो निट्स स्ट्रॉज इनटू वन अनदर. तो एडवर्ब मिस्टेक है यहाँ पर. 57. The ninth plan launched in the fifth year of India's independence aimed at achieved a targeted GDP growth rate of 7%. The ninth plan launched in the fifth year of India's independence aimed at achieved a targeted growth of 7%. हाँ बताइए क्या गलत है? Where's the error? Same error है. Aimed at achieve नहीं होगा. Aimed at achieving a targeted GDP growth rate. ठीक है तो यहाँ पर एरर है. 58 है रूरल डेवलपमेंट इम्प्लाई बोथ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. नो एरर. रूरल डेवलपमेंट क्या है? सिंगुलर है क्या प्लूरल है? डेवलपमेंट है ना, सिंगुलर हुआ. सिंगुलर के साथ वर्ब की ऐसी यस आती है फर्स्ट के फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो यहाँ पर इम्प्लाई नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इम्प्लाइज. तो ए मेरर आ गया. इजी था ये. द प्रोग्राम रिलेटिंग टू न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स हैव बीन बिल्ट ऑन द मल्टी डिसिप्लिनरी R&F इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट. यस रिलेटिंग टू नहीं होगा, रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर. ये ऑप्शन ठीक है. समझ में आ गया सारी गलतियाँ एरर्स. तो इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको एरर समझ में आना शुरू हो जाएगा. रूल्स पढ़ के फ़ायदा नहीं है कि आप रूल्स पढ़ते रहे बैठ के, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ही कर लो. उससे भी आपका नॉलेज डेवलप हो जाती है गलती कहाँ कहाँ पर हो सकती है.
रूल्स पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 16, वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू असेस द कॉज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू असेस द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यस, सेम एरर है, दिस शुड बी फ्रीक्वेंट डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब लगा दिया था इन्होंने, फ्रीक्वेंट इज एडजेक्टिव, मतलब अक्सर जो डिलेज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। 61, द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक्स। हाँ फिर से बोलो। अच्छा, हेल्प द बैंक, यस डी ऑप्शन, हेल्प बैंक्स होगा, जो द टू नहीं लगेगा, हेल्प टू नहीं आता, आई विल हेल्प यू, हेल्प टू यू तो नहीं होता ना कभी। 62, ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। यस नहीं, यानी ग्रेजुएट्स हैव में गलती है, हैविंग एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द तरह से ना, वो ग्रेजुएट्स इनका एक्सपीरियंस है, आपने बताया तो ए में ही गलती है, लेकिन गलत स्पॉट करे हो गलत, ये हैविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ग्रेजुएट्स जिनके पास तजुर्बा है। 63, हाँ वो भी गलती है एक तरह की, वो भी गलती है। ऑल्दो इट हैज़ रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम RBI बैंक हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन मलेशिया। क्यों? Although it has received clearance from RBI, the bank has decided not to open. हाँ भाई, A में गलती नहीं है, D में गलती है, their office नहीं होगा यहाँ पर, its office होगा, क्योंकि एक बैंक की बात कर रहे, the bank singular है ना, तो singular के साथ their थोड़ी ना आता, its office होगा ना, बैंक्स थोड़ी ना है, बस समझ में आ गई, ये छोटे छोटे गलतियाँ होती हैं, बट ये स्पॉट नहीं हो रहा होता है बच्चों से कहाँ गलती है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द टर्म हैव पास्ड एंड येट आई हैव नॉट डन मच रीडिंग, आई एम अफ्रेड दैट आई मे नॉट कैच अप विद अदर्स। देखो, हाफ ऑफ द टर्म जो है ना, हाफ ऑफ द टर्म, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शंस को हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, बताते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, यहाँ पर हाफ ऑफ द टर्म हैव पास्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज पास्ट, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा सिंगुलर होते। व्हाट इज वर्स, आई मे फेल। अच्छा कंटिन्यू हुआ, सॉरी भाई, क्या ये कह रहा चल रहा है, एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंकेज टू ओवरलाय लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स आर न्यू स्टडी हैज फाउंड। बी, मे बी लिंकेज नहीं हो, क्या होना चाहिए, मे बी लिंक्ड टू ओवरले लार्ज ग्लैंड्स इन देयर ब्रेन्स अ न्यू स्टडी हैज फाउंड। आगे सारे मिस्टेक समझ में, हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, देखो सिर्फ ऑप्शन नहीं याद रखो कि बस ए है बी है, रटना नहीं है, समझना है कि यहाँ पर गलती क्यों है, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये जुमला गलत हो रहा है। मैं हर एक के पीछे आपको रूल्स बता रहा हूँ, यहाँ ये मसला है, यहाँ ये मसला है, यहाँ ये होना चाहिए, आपको सिर्फ गलत आंसर तक नहीं, आपको जब तक ये पता नहीं होगा ना कि करेक्ट क्या है, आप मिस्टेक से निकाल सकते हैं। रट्टा कितना आप लगाएंगे, 80 सवाल तो मैं ये बता रहा हूँ, सवाल तो और भी पता नहीं कितने होंगे, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट डेवलप कर लेने। 66, सच स्टूडेंट्स एज हैव नॉट पेड द फीस सो फार शुड पे देयर फीस विद इन द 20th ऑफ दिस मंथ। सच स्टूडेंट्स, यस एज तो नहीं होगा ना, हो जाएगा, हु हैव नॉट पेड द फीस सो फार, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क रेगुलरली एंड हार्डली इफ दे वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन। बहुत ईजी है, वेयर इज द मिस्टेक, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स
टू वर्क रेगुलरली एंड हार्डली। बी में गलती है, बी में गलती नहीं है, सी में गलती है। हार्डली नहीं होगा, वर्क हार्ड। हार्डली भी एक वर्ड होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। पैरेलल ही स्ट्रक्चर ही तो देख रहे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब स्पेलिंग में पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से पैरेलल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रेगुलरली एक एडवर्ब है ना, वर्क रेगुलरली एक एडवर्ब है, बाकायदगी से, बाकायदगी से। तो अब यहाँ पर हार्ड का भी हार्डली मतलब यहाँ पर भी एडवर्ब लगेगा, हार्ड एक एडवर्ब होता है, हार्डली को एडवर्ब नहीं है। हार्डली तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल सा, या हार्डली 10 rupees इन माई पॉकेट, ये हार्डली है। और आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग हार्डली नहीं, समझ गया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, हार्ड खुद एक एडवर्ब है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर या पैरेललिज्म जब सेंटेंस में देखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पैरेलल स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्पेलिंग का पैरेलल नहीं करते हैं। सही है। नेक्स्ट है, अनलेस इंडियन क्रिकेट टीम डज नॉट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इट विल नॉट बी एबल टू डिफीट श्रीलंकन टीम्स। हाँ, या डज नॉट नहीं आएगा, अभी बताया था। अनलेस एंटिल आ जाए तो दोबारा नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि अनलेस एंटिल का पहले ही एक नेगेटिव सेंस है, तो डज नॉट नहीं आएगा, बी ऑप्शन। अनलेस इंडियन क्रिकेट टीम मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, उसके बाद फिर आगे फिर मेक्स हो जाएगा फिर ये। अब तो संडे को पाकिस्तान से वैसे इनका एशिया कप। नेक्स्ट है, द टीचर स्पोक इन सच अ लो वॉइस एज द स्टूडेंट्स कुड नॉट हेयर हिम। यहाँ पर सी मैनर है, एज नहीं होगा, दैट सच के साथ दैट आएगा ना, सच अ लो वॉइस दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट हेयर हिम, सच के साथ दैट आता है। 70, द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड एज दे आर फाउंड फिट, विल बी नहीं, पास्ट फ्यूचर सिंपल का पैसिव भी हो सकता है। सही है, सेम है, द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड इफ दे आर फाउंड फिट, फर्स्ट कंडीशनल, अगर उनको फिट कंसिडर किया जाएगा तो फिर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सी में कह रहे मिस्टेक है, इन माई ओपिनियन आई थिंक देयर विल बी नो एडवांटेज इन गिविंग अप योर प्रेजेंट जॉब एंड एंटरिंग बिजनेस। मेरी राय में मैं सोचता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है अपनी अब हाल की जॉब को छोड़ देने का और बिजनेस में दाखिल होने का या फिर कारोबार में दाखिल होने का। यस बी वाई, यस आई थिंक की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। इन माई ओपिनियन देर विल बी नो एडवांटेज, जब मेरी राय में हो तो मैं सोचता भी तो यही हूँ ना भाई। ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर आ गया, रिडंडेंसी, तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स को हम ख़त्म कर देते हैं। तो मेरी राय में कोई एडवांटेज नहीं है अपने अभी जॉब छोड़ने का। आई थिंक ये एक्सेसिव वर्ड यूज़ किया गया उसके अंदर, एक्स्ट्रा वर्ड है। समझ गया तक, 71 तक आई थिंक लास्ट स्लाइड है ये, उसको देख लेंगे, देन द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर विल बी फिनिश्ड, एज वेल एज द इंग्लिश लेक्चर्स विल बी फिनिश्ड फॉर दिस सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। 72 है, आफ्टर गोइंग टू माई रूम आई सेट डाउन कंटेंटेडली, समटाइम्स रीडिंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट डूइंग नथिंग। डी वाई, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट डूइंग नथिंग नहीं होगा बल्कि एनीथिंग, चूंकि नॉट डूइंग नथिंग दोनों मैंने बताया कभी भी दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, वो पॉजिटिव बन जाते हैं। बोले ना आई एम नॉट डूइंग नथिंग, जब मैं बोल दूँ मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बोलो ना आई एम नॉट डूइंग नथिंग, मतलब आई एम नॉट डूइंग नथिंग मतलब मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, समझ गए। आई हैव नॉट नथिंग इन माई पॉकेट, मतलब आई हैव एवरीथिंग इन माई पॉकेट, नेगेटिव बोलकर पॉजिटिव बन जाता है ना भाई, सिंपल बात है। 73 है, इट इज बैड टू बी डिस्ट्रस्टफुल ऑफ योर ओन चाइल्ड, वॉट बी, यस डिस्ट्रस्टफुल इज नथिंग, मिसट्रस्टफुल एक हमारे पास वर्ड होता है, भरोसा ना करना, इतमाद ना करना, मिसट्रस्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल नहीं है, देयर इज नो वर्ड। नेक्स्ट है 74, इट इज बैड टू बी डिस्ट्रस्टफुल, नहीं ये तो वही हो गया, सेम हो गया। 75 है,
I object to war, not because it drains economy, but that it seems inhuman. I object to war. क्या कौन सा गलत है? D. It seems inhuman. सही तो है. गैर इंसानी लगता है. I object to war not because it drains economy. गलती तो C में ही है. वो क्या है ढूंढना है. I object to war not because it drains economy, but I object to war not because it drains economy. That नहीं आएगा यहाँ पर ना, but it seems inhuman. Not because it drains economy, but it seems, yes, but होगा, that नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक. Next है, I was unhappy at the thought that I could not attend Sachin's marriage tomorrow. ए नहीं सी, देखो पास्ट का लग रहा है ना, आई वॉज अनहैप्पी दैट आई कुड, कि टुमारो तो आ नहीं सकता, कि मैं नहीं अटेंड कर सका सचिन की मैरिज टुमारो, नहीं बल्कि यस्टरडे, क्योंकि पास्ट आ रहा है ना, पास्ट में टुमारो कब से आ जाए, उसकी शादी कल हुई ना भाई, तभी वो जा नहीं सका, अगर आने वाले कल हो गए तो कोर्ट थोड़ी लगेगा, आई कुड नॉट अटेंड, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, फिर ये हो जाएगा. Next, tell me the name of a country where every citizen is law abiding and no trouble is there. No error. कोई गलती नहीं यहाँ पर, that's correct sentence. इसमें कोई गलती नहीं है. Tell me the name of a country where every citizen is law abiding and no trouble is there. Tell me the name of a country. नहीं, मुझे किसी एक कंट्री का नाम बताइए. उर्दू में भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना. किसी एक ऐसी कंट्री का नाम बताएं जिसके अंदर सब लोग लॉज को पूरा करते हैं और वहाँ कोई खामी नहीं है, वहाँ कोई गलती नहीं है, वहाँ कोई ट्रबल नहीं है, मुश्किल नहीं. तो सही जुमला. तो नो एरर भी हो सकता है समटाइम्स, कि एरर ही ना हो कोई भी. नेक्स्ट, द लिटिल बॉय नोज हाउ टू स्टार्ट द इंजन but does not know to stop it. No error. What C? Yes. Little boy knows how to start the engine but does not know how to stop it. How आएगा यहाँ पर ना. वो जानता था कि इंजन को शुरू कैसे करना है, लेकिन उसको बंद कैसे करना है ये वो नहीं जानता था. तो no error, ठीक है. Yes. 79. This room would look much better if you put a furniture in that corner. No error. कहाँ पर? C में error है. क्यों? Who is going to tell me the correct answer? The room would look much better. नहीं. B में error है. देखो फर्नीचर, फर्नीचर जो है ना हमारे पास, दैट फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर नहीं लगाते. इफ यू पुट फर्नीचर इन दैट कॉर्नर, लुक मच बेटर हो सकता है. यहाँ पर मच जो है ना, अच्छा मच एक अलग चीज़ है. ये जो मच है ना यहाँ पर, एक एडवर्ब है. दो तरह का मच होता है ना, एक तो होता है मच मोर मोस्ट, और एक मच होता है जो किसी वर्ब की मीनिंग को बढ़ाता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि जैसे यू आर अ गुड बॉय, अगर मैं लिखता हूँ यू आर अ गुड बॉय तो मैं एक अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पर जो गुड है दिस इज एन एडजेक्टिव. तो अब यहाँ पर जब वेरी लगा लेंगे, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पर वेरी क्या होगा, दिस इज एन एडवर्ब,
because what adverb does, it actually adds to the meaning of an adjective. That's why it is called an adverb in English grammar. तो ये क्या करेगा, एडजेक्टिव की मीनिंग को बढ़ा रहा है. तो वैरी लगाया हमने. अब इसी तरह से जब हम क्या करते हैं बच्चों, एक कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं. यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे बेहतर हो. सही है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या लगा, बेटर लगा. और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है ना भाई. अब तो तुम मुझसे बेहतर हो, अगर मुझे कहना तुम मुझसे बहुत बेहतर हो तो यू आर मच बेटर देन मी. तो यहाँ पर ये मच जो है ना, ये एडवर्ब है जो इस बेटर की मीनिंग को बढ़ा रहा है, ये एडजेक्टिव वाला मच नहीं है, समझ गए. यहाँ पर तो मच सही है, मच बेटर. तो हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग मच बेटर, बोलते हैं ना, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मच बेटर. तो पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गई बात. तो और लेक्चर तुम्हें देखने पड़ेंगे, अभी फिलहाल टाइम लगेगा, 4 घंटे और देखो. छोटे छोटे चीज़ें, ये सबको मिस्टेक्स आती हैं इसके अंदर ना, तो ये जब तक आप बनाएंगे ना, बेसिक्स आपके बेहतर नहीं होंगे. लास्ट क्वेश्चन है स्विफ्ट. यहाँ पर स्विफ्ट से मुराद जो है वो एक ऑथर है, दैट इज जोनाथन स्विफ्ट. उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, नॉवेल का नाम था गुलिवर्स ट्रैवल्स, है ना भाई. उसमें गुलिवर एक ट्रैवलर था, गुलिवर इन अ लिलीपुट आइलैंड. लिलीपुटन आइलैंड सुना है कभी, उसमें छोटे छोटे बॉनों की दुनिया में चला गया था. बचपन में सुना हुआ कहानी, गुलिवर एक बंदा था, वो छोटे बॉनों की दुनिया में चला गया था. तो फिर क्या हुआ था उसमें कि फिर फाइनली वो लोगों ने उसको पकड़ लिया था. फिर उसने बोला मैं तुम्हारी मदद करूँगा. तो एक पता नहीं दूसरा को मॉन्स्टर था, उसके खिलाफ वो लड़ाई करता है. नहीं देखा ऐसे, इंडियन फिल्म भी इस पर एक बनी थी, जनंतरम अवंतरम पता नहीं क्या नाम था, ठीक है. उसमें झामुंडा था एक बड़ा था, तो वो आ गया था. छोटे में देखते बच्चों की स्टोरी है वो. तो वो गुलिवर ट्रैवल्स के ऊपर वो उन्होंने फेक बनाई थी. नहीं देखा तुम लोगों ने कभी उसको, आपने देखा, आप उसको रात आपने देखा जैसे. तो वो गुलिवर ट्रैवल के ऊपर बनाई गई थी ना, एक बड़ा सा, मतलब गुलिवर तो एक नॉर्मल कद का बंदा था, कश्ती की जगह उसकी जगह फंस गई थी ना, तो वो एक बॉनों की दुनिया में आ गया था. छोटे छोटे लोग थे उसके अंदर, कितने इंचेस के कुछ लोग थे छोटे में. इंग्लिश में भी उन्होंने स्टोरी पढ़ी थी गुलिवर्स ट्रैवल की, आप लोगों ने भी पढ़े हुए शायद, याद नहीं आ रहा. किसी भी स्कूल से आप लोग कराची में आपने वो पढ़ा होगा कभी कभी, क्योंकि हर बुक में होती थी वो स्टोरी. हमने 3-4 बार पढ़ा था अपने स्कूल लाइफ के अंदर उसको, कहीं किसी क्लास में, कभी उस क्लास में, कभी उस क्लास में. तो जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवल्स, ये उसके एक बुक का नाम था, जोनाथन स्विफ्ट की नॉवेलिस्ट है ये. Have been read by me. तो यहाँ पर गुलिवर ट्रैवल्स ना, ये उसके एक नॉवेल का नाम है, तो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे. अगर जिसमें एस लगा हुआ है, लेकिन उसको नॉवेल का नाम है तो हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट देखा जाएगा उसको. उसके लिहाज से क्या होगा, एरर कहाँ पर स्पॉट हो जाएगा, बी में. तो बजाय हैव बीन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा. तो ये जो एस है ना, इसको प्लुरल नहीं बना रहा, ये तो नॉवेल का नाम है, तो नॉवेल का नाम सिंगुलर ही लेंगे, भले उसके अंदर एस लगा हुआ होगा, हम उसको एक नॉवेल की बात कर लेंगे. बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों. सो दैट्स इट अबाउट द स्पॉटिंग एरर. तो 80 questions वी हैव सॉल्व्ड हियर, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर एक्चुअली एग्जिस्टेड इन द स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन. जितने हो सकते हैं सब तरह के रूल मैंने 80 सवाल के अंदर आपको बता दिए. इन्हीं में से एनईडी में, डाओ में, किसी में भी स्पॉटिंग एरर आते हैं. इन्हीं से मुराद के इन्हीं रूल्स में से आते हैं. रूल्स आप ये सारे याद रखिएगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है, कंडीशनल का मसला है, कहीं टेंस का मसला है, कहीं आर्टिकल का मसला है, कहीं प्रेपोजिशन का मसला है ना. ये सारे मसाइल आप उसको, मतलब उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है जितने टाइम बच गए. सो दिस वॉज द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेशन फॉर इंग्लिश साइड एब्सोल्युटली. तो आई थिंक एनईडी वालों के लिए खास तौर पर. तो बाकी मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली जो लेट आए क्लास रूम के अंदर, तो क्लास तो चल रही है हमारी 1 घंटे पहले से. तो आप उसको जो चीज़ छूट गई है आप वो घर पर जाकर देख लेना. रात 11-12 बजे तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास.